हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताऊंगा कि अपने ईमो में किसी भी नंबर को कैसे सेट करें। किसी दूसरे का नंबर अपने ईमो में लाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ईमो में नंबर सेट करने के लिए हम सब ईमो में चले जाते हैं, तो आप भी ईमो में चले जाना, मैं ईमो में चले जाता हूँ। ईमो में आने के बाद आपको इधर नीचे आना है। इसके बाद देखो इधर प्लस का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप भी इस पर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इधर देखो पहला न्यू ग्रुप चैट, ऐड फ्रेंड, स्कैन क्यूआर कोड या मोर है। तो इधर ऐड फ्रेंड्स पर क्लिक करना है, इधर दूसरे वाले ऑप्शन पर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद इधर देखो इधर है अपना कंट्री सेलेक्ट करना। तो आप नेपाल में, इंडिया में, कहीं भी है, तो इधर नेपाल में मैं हूँ तो नेपाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद अपना नंबर सेलेक्ट करने जिसको आप ऐड करना चाहते हो, तो मैं जिसका ऐड करना चाहता हूँ अभी उसको नंबर डाल देना। मैं जिसका ऐड करना चाहता हूँ मैं उसका नंबर डाल दिया हूँ, आप भी जिसको ऐड करना चाहते हो उसका नंबर डाल देना। तो मैं नंबर डाल दिया हूँ, अभी इधर ऐड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अभी इस पर क्लिक कर देना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इधर देखो आप जिसका नंबर डाले हैं वो आपको ईमो में ऐड हो जाएगा। तो मैं देखो मैं जिसका नंबर डाला था वो मेरे ईमो में ऐड हो गया है। तो मैं इसको अभी फ़ोन भी लगा सकूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे ईमो में ऐड हो गया है, तो आप भी ऐसे ऐड कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।